साथियों नमस्कार। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, सहायक ग्रेड 3 और समकक्ष पदों पर होने वाली भर्ती में सिर्फ हिंदी टाइपिंग जरूरी होगी, अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 2400 पदों के लिए होने वाली परीक्षा को लेकर फैल रहे भ्रम को दूर करने सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश निकाले हैं। अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। हम आपको आज इसी विषय में बताने वाले हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलें। अगर आपके कोई विचार हो तो कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपका दोस्त चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। आपका दोस्त चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और पास में आएगा बेल का आइकन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें साफ किया गया है कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण में हिंदी में दक्ष होना जरूरी है। अंग्रेजी की अनिवार्यता सिर्फ उन्हीं पदों के लिए होगी जहाँ इसे विशेष तौर पर मांगा गया हो। भर्ती के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB 28 और 29 जुलाई को परीक्षा आयोजित करेगा और आवेदन 6 जुलाई तक जमा होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव CV पड़ावर ने बताया कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा में अंग्रेजी की टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी के लिए 20 शब्द प्रति मिनट रखी गई है। इस निर्देश से यह भ्रम पैदा हो रहा था कि सहायक ग्रेड 3 और समकक्ष पदों के लिए हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में दक्ष होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सरकार ने सिर्फ हिंदी टाइपिंग में दक्ष होना अनिवार्य किया है। इसके मायने यह हुए कि सहायक ग्रेड 3 और समकक्ष पदों के लिए सिर्फ इस आधार पर किसी अभ्यर्थी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। साथियों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उस लोगों को ज़रूर भेजें इस वीडियो को, और साथ ही साथ हमारे आपका दोस्त चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। साथियों आपके कोई विचार हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।